क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे वेदर इट इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. तो सबसे पहला मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो है 0 0 0 0. ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स. ये दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स. ओके, देन पार्ट बी. पार्ट बी में हमें मैट्रिक्स कौन सा गिवन है? मैट्रिक्स इज 2 3 4. दिस मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में ज़्यादा कॉलम्स नहीं बनाए गए और अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रो मैट्रिक्स. सी में हमें क्या कहता है? 4 0 6. ये हमारे पास क्या आएगा? कॉलम मैट्रिक्स. देन वी हैव डी. डी इक्वल्स टू 1 0 0 1. ये हमारे पास आता है यूनिट मैट्रिक्स. इसे हम कहेंगे कि ये यूनिट मैट्रिक्स है. देन ई. पार्ट ई इज 0. ये भी हमारे पास क्या आ जाता है? नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स. और लास्ट में हमारे पास आता है एफ. 5 6 7. ये भी हमारे पास क्या आइडेंटिफाई होगा? कॉलम मैट्रिक्स. ओके, सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने थी वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है. नल मैट्रिक्स फर्स्ट ए पार्ट इक्वल्स टू द नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? जिस मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज, सारे डिजिट्स क्या हों? 0 हों, उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास नल मैट्रिक्स आता है. रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो. जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? जिसमें हमारे पास डायगोनल फॉर्म हो रहा हो और डायगोनल की एंट्रीज जो है वो हमारे पास यूनिटी हो, मींस व्हेन उसकी एंट्री 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या आता है? यूनिट मैट्रिक्स. और डायगोनल मैट्रिक्स ही हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होता है अगर उसकी सारी एंट्रीज 1 हो. अगर इस तरह से लिखा हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी डायगोनल एंट्रीज हैं और ये डायगोनल एंट्रीज क्या है? 1. सो इट इज़ ऑल्सो अ यूनिट मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हम लोगों ने देख लिया. नाउ वी मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है कि आपने आइडेंटिफाई करके देना. आइडेंटिफाई करना है कि जो मैट्रिक्स हम दे रहे हैं आपको क्या वो स्केयर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर नल मैट्रिक्स है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई किया है, इसमें भी हम लोग वैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे. पहले पार्ट में हमें वो पूछ देता है मैट्रिक्स 8 12 2 0 7 4. ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. यहाँ पे हमारे पास रोज कितनी है? 2. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3. तो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि रोज जो है वो कॉलम की इक्वल नहीं आ रही. सो इट विल बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ये बहुत ईजी था और ईजीली आइडेंटिफाई हो गया. ओके, पार्ट 2 में जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 3 0 4. मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. ये हमारे पास क्या आएगा? कॉलम मैट्रिक्स. पार्ट 3 में हमें क्या कहता है? 6 3 -4 और -2. ये हमारे पास क्या आएगा? स्केयर मैट्रिक्स. स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज इसमें हमारे पास कितनी है? 2. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं?
टू, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, देन वी हैव अ क्वेश्चन नंबर फोर, आई विल रिमूव इट। क्वेश्चन नंबर फोर 001, डायगनल मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज इक्वल टू वन हो वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इट विल बी अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर फाइव इज 1, 3, 5, 2, 4, 6। अगेन दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हाउ, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, हमारे पास 3 रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू द 2, तो वो इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास क्या होगा कि ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमें इसकी शेप, लिखने की शेप से ही पता चल जाता है कि वेदर दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर आइडेंटिटी रेक्टेंगुलर नल या फिर कॉलम मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स। देन वी हैव अ क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें जो दिया है वो है 3, 10, -1। ये हमारे पास क्या है, रो। रो मैट्रिक्स कैसे, मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें क्या दिया हुआ है, 100। क्या आ रहा है हमारे पास, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, सिर्फ वन कॉलम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड लास्ट इज 8, उसमें हमें मैट्रिक्स दिया गया है 1, -1, 0, 2, 2, 0, 3, 0, 1। अब ये हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे, नंबर ऑफ रोज जो है वो इसमें इक्वल है टू द नंबर ऑफ द कॉलम्स, और वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो किसके इक्वल आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के। ओके, लास्ट जो है वो हमारे पास दिया गया है, सारी एंट्रीज उसमें हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के साथ ये एक और मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है, अगर देखा जाए वो हमारे पास कौन सा आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन हम मोस्टली इसको लिखेंगे नल मैट्रिक्स क्योंकि इसमें एंट्रीज 0 है। क्वेश्चन नंबर 3, में भी वो हमें क्या कह रहा है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि अब मैट्रिक्स जो दी है वो डायगनल है, स्केलर है या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। सबसे पहला मैट्रिक्स हमारे पास है 4, 0, 0, 4। ओके, अब हमने आइडेंटिफाई करना है डायगनल, स्केलर या फिर यूनिट मैट्रिक्स। इन तीनों में रखते हुए अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स। कैसे स्केलर मैट्रिक्स आया, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर तो डायगनल की एंट्रीज सेम हो, और ये हमारे पास डायगनल है, डायगनल एंट्रीज आर द सेम, सो दिस विल बी द स्केलर मैट्रिक्स। बी पार्ट में हमें वो कहता है 2, 0, 0, -1। अब ये हमारे पास क्या होगा, डायगनल मैट्रिक्स। कैसे आएगा डायगनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें कहती है कि एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगनल इज नॉट 0 एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर 0। नॉन डायगनल एंट्रीज हमारे पास क्या आ रही हैं, 0 नॉन डायगनल एंट्रीज, और डायगनल एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास 0 नहीं है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास क्या आती है, डायगनल एंट्रीज। डायगनल एंट्रीज हमारे पास 0 नहीं है, नॉन डायगनल एंट्रीज 0 है, तो ये क्या आइडेंटिफाई हुआ, डायगनल मैट्रिक्स। ओके, देन पार्ट सी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 1, 0, 0, 1। डायगनल एंट्रीज आर 1, तो हमारे पास क्या आता है, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम चीज़ है। यूनिट का मतलब भी 1, आइडेंटिटी मीन्स भी 1, और एंट्रीज आर 1, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, डी पार्ट में क्या आता है, 3, 0, 0, 0। ये हमारे पास क्या आएगा, डायगनल मैट्रिक्स।
डायगोनल एंट्रीज आर नॉट जीरो, वन ऑफ द एंट्री जो होती है वो हमारे पास नॉट जीरो होनी चाहिए और एक एंट्री हमारे पास नॉट जीरो है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। पार्ट ई, ई पार्ट क्या आता है हमारे पास, 5 - 3 0 0 1 + 1। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कैसे आ जाएगा, 5 - 3 2 0 0 एंड 2। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। कैसे आएगा स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज आर सेम, तो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, फिर उसने हमें कहा था कि हम लोग आइडेंटिफाई करें, यानी कि अगर हम एक और पार्ट जो पुरानी बुक के हिसाब से अगर हम देखते हैं, उसमें उसने दिया होता था कि आप इसमें डायगोनल मैट्रिक्स बताएं, कौन कौन से डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट हुए। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारे पास ए बी सी डी और ई जो मैट्रिक्स कैलकुलेट हुआ था वो डायगोनल मैट्रिक्स कैलकुलेट हुआ। ओके,